और जोशीमठ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जोशीमठ की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले देव नरसिंहपुर की आप जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की और जो है मृति मार्गी की यहाँ पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। पूजा के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस के जो है पक्ष में जनता से वोट मांगा और जनता से वोट करने की अपील की। हालांकि जोशीमठ नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहां पर कहना है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपनी यहां पर सरकार बनाने जा रही है। इस अवसर पर वेद पाठी जो है कुशला नंद बहुगुणा की तरफ से यहां पर मंत्र उच्चारण और साथ ही पूजा पाठ कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद लेते हुए भगवान नरसिंह की पूजा करते हुए अपने प्रचार की शुरुआत की है। निसंदेह रूप से भगवान नरसिंह का भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी पर रहेगा। जिस प्रकार से उनके द्वारा अपने कार्यकाल में जो सेवा की है नरसिंह भगवान की सेवा का अवसर उनको प्राप्त हुआ, बद्री विशाल की सेवा का उनको अवसर प्राप्त हुआ और अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत से विकास के कार्य लोगों जनहित के कार्य यहाँ पर राजेंद्र भंडारी ने किया है। निसंदेह रूप से आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस के तो हृदय में भगवान बसते हैं। कांग्रेस वोट के लिए भगवान के पास नहीं जाती है, न भगवान के नाम का उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगती है, चंदा मांगती है, अरबों रुपये के चंदे का घोटाला करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो एक आस्थावान पार्टी है, आस्थावान लोगों की पार्टी है जिनका भगवान बद्री विशाल के प्रति भगवान नरसिंह के प्रति अटूट आस्था अटूट विश्वास है। हम दिखावा ढकोसला नहीं करते हैं। आज हमने अपने इस चुनाव अभियान की शुरुआत भगवान नरसिंह से आशीर्वाद लेकर, माँ नव दुर्गा से आशीर्वाद लेकर और उनका आदेश लेकर कि हमें विजयश्री आशीर्वाद दें, ऐसी कामना के साथ हमने आज यहाँ से श्री गणेश किया।